खरगोन जिले की भौगोलिक स्थिति के साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों की निगरानी करने पहुंची आरएएफ की टीम ने मंगलवार को अस्पताल परिसर में सफाई अभियान चलाया। कमांडेंट पंचम लाल ने बताया 71 सदस्य दल ने आमजन को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने, आसपास सफाई रखने का संदेश देने के उद्देश्य से सफाई की। इसके अतिरिक्त पिछले 7 दिनों में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भ्रमण कर क्षेत्र की संवेदनशीलता और अति संवेदनशीलता का जायजा लेने के साथ ही गुंडे, बदमाशों, दबंगों को चिन्हित किया है। आगामी समय में किसी भी तरह की स्थिति अनियंत्रित होती है और आरएएफ को बुलाया जाता है तो टीम तत्काल पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की जा सके। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। क्या कहना? ये रैपिड एक्शन फोर्स भोपाल से इनकी टीम आई है और समाज में जो है अपने आसपास साफ सफाई रखने के उद्देश्य को फैलाने के उद्देश्य से यहाँ पे सफाई अभियान जो है इनकी बहुत लोगों की टीम ने किया है। बड़ी अच्छी बात है जो ये समाज में अच्छा संदेश दे रहे हैं। मैं डॉक्टर अमर सिंह चौहान, सिविल सर्जन, जिला अस्पताल। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य है जो यहाँ के आम नागरिकों के बीच में स्वच्छता का जो है हमारा एक संदेश फैलाना है कि हम लोग जहाँ पे भी रहे आसपास मोहल्ले और अपना समाज जो है स्वच्छ रहे, यही हमारा उद्देश्य है और यही हम संदेश आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। कितने लोग आज यहाँ पर सफाई? यहाँ पे 71 सदस्य हमारी टीम आई हुई है भोपाल से। श्री जगदीश प्रसाद बलाई कमांडेंट के निर्देशन के अनुसार हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे हर जिले के जितने भी थाना क्षेत्र हैं वहाँ पे हम लोग परिचय अभ्यास करने के लिए आए हैं कि ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई सांप्रदायिक दंगा या ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको हम लोग अच्छे तरीके से निपट सकें। किन किन जो संवेदनशील अति संवेदनशील इलाकों में आप लोग गए, किस प्रकार से अभी आप लोगों ने देखा है? अभी जो है यहाँ के एसपी महोदय जो धर्मवीर यादव सर हैं उनके जो है बताए गए दिशा निर्देश के अनुसार हर एक थाना क्षेत्रों का हम लोगों ने अपना मैपिंग कर लिया है। रूट किस तरह से हम जा सकते हैं, क्या क्या वहाँ की समस्याएँ हैं, क्या वहाँ पे पॉपुलेशन का रेशियो है, साक्षरता निरक्षरता का प्रतिशत क्या है, ये सब सारी चीज़ों का हम लोगों ने मूल्यांकन कर लिया है। कौन कौन से दबंगे वाले हैं, बलवाई हैं, ये सब सारी चीज़ों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। उसको हम अपना फिर से आगे जाकर यहाँ से जब भोपाल पहुँचेंगे तो इसको पूरे तरीके से एक मैपिंग करेंगे कि भविष्य में यदि खरगोन में किसी तरह का हादसा या कोई दंगा होता है तो उसको हम अच्छे तरीके से बिना समय गवाए इसको निपट सकें। मेरा नाम पंचम लाल, उप कमांडेंट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।